जी हाँ, स्थानीय नगर थाना परिसर में क्षेत्र के समस्त मेडिकल स्टोरों के संचालकों की एक बैठक का आयोजन वन विभागीय अधिकारी पुलिस भारत भूषण शर्मा एवं शहर थाना प्रभारी सुमी देसाई ने आयोजित की, जिसमें नगर के अधिकांश मेडिकल स्टोरों के संचालक शामिल हुए। एसडीओपी भारत भूषण ने दवाई विक्रेताओं को दो टूक शब्दों में समझाया कि यह नगर आपका है, लेकिन इसे नशा मुक्त नगर बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसमें मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। एसडीओपी महोदय ने कहा कि कुछ मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाइयों के विक्रय की भी सूचना प्राप्त हो रही है। अगर मेडिकल पर ऐसी कोई भी दवा प्राप्त हुई जिससे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या उसका सेवन नशे के रूप में किया जाता है, तो मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की जाएगी। गंज बासोदा से एलन चौबी की एक रिपोर्ट। नशे के विरुद्ध जो नशे में लिप्त है अपने नगर के बच्चे, उनको सुधारने के लिए, उनकी पीढ़ियों को व्यवस्थित करने के लिए एक मुहिम पुलिस जो चला रही है, तो उसमें हम सब लोग ईमानदारी से सहयोग देंगे। ऐसे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन से और ड्रग विभाग से और हम लोगों के सबके सामंजस्य से जितना हो सकता है उतना नशे की तरफ ना झोंके युवा पीढ़ी, उसके लिए हम रोक लगाएंगे। वैसे तो हमारा साथ ही कोई गलत काम करता नहीं है, और यदि और हम लोग समझाइश देंगे पहले, इसके बाद भी यदि कोई नहीं मानता तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई और उसके साथ हम खड़े हुए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोर के इसमें फेविकॉल भी आया है, वाइट जो लिक्विड होता है वो भी आया हुआ है, वाइटनर, तो उसके तारतम्य भी इसी क्रम में पृथक से एक टीम तैयार करके जनरल स्टोर्स की भी चेकिंग कराई जाएगी और उनको भी इस तरह का विक्रय इन युवाओं को ना करें, इस चीज़ की हिदायत देने के लिए भविष्य में मीटिंग आयोजित की जाएगी।